मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में कन्या पूजन कर सम्मान समारोह का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर सम्मान समारोह हुआ आयोजित। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने की बड़ी घोषणा, कहा 26 जनवरी को प्रदेश के विभिन्न जेलों में बंद 183 कैदियों को किया जाएगा रिहा। उज्जैन में बड़ा हादसा, पुल की रेलिंग तोड़कर नदी में गिरी कार, दो लोगों के शव मिले, बचाव दल ने कार को बाहर निकाला। जबलपुर में एमबीबीएस छात्रों में चले लात घूंसे, जूनियर डॉक्टरों की पार्टी में डांस के दौरान धक्का देने पर हुआ विवाद, छात्रों से मारपीट, 16 छात्र निलंबित। बर्फबारी के कारण जम्मू श्रीनगर हाईवे जाम, कई फ्लाइट्स कैंसिल, पठानकोट में बारिश के साथ ओले, एमपी में तापमान में बढ़ोतरी। नमस्कार, न्यूज ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है, मैं हूं दिव्यांशु जोशी। अब खबरें विस्तार से। दतिया के वृंदावन धाम में महिला बाल विकास विभाग एवं गृह मंत्रालय द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन में प्रदेश के गृह जेल एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कन्या पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने जनता को संबोधित किया। हमारे गृह विभाग के द्वारा ये संयुक्त कार्यक्रम है, कभी भी कोई दिक्कत आए मेरो पैनिक बटन तो अलग बात है। अपने दतिया को ऐसा बदल दिया है कि रात में 12 बजे भी मेरी माँ बहन अकेली चली जाए तो किसी की हिम्मत नहीं है ढूंढने की कि हमारी बहन की। ऐसे प्रदेश भी हम बना के देंगे आपको, अपने प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को ऐसी बनाई है। जब शिवराज जी बने थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी मध्य प्रदेश के अंदर, आप सब दतिया की बहनें जानती हो कि हमारे यहाँ पे डाकुओं की गैंग घूमा करती, हमने शांति का माहौल दिया, नक्सलाइटों में, सिमी में, डाकुओं में, हर क्षेत्र में शांति दी है, लेकिन ये वास्तविक शांति कानून और लॉ एंड ऑर्डर की है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से पैनिक बटन बेटियों के वाहनों में रहेगा, जब भी वो पैनिक बटन को दबाएंगी तत्काल 10 से 15 मिनट में डायल 100 उनके पास पहुंचेगी। साथ ही गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य सरकार के द्वारा जेलों में आजीवन कारावास सजा में निरुद्ध 183 कैदियों को रिहा किया जाएगा, इनमें पॉस्को और बलात्कार के केस का कोई भी कैदी शामिल नहीं है। सम्मान कार्यक्रम जो गृह विभाग और महिला बाल विकास का था, कि मध्य प्रदेश में अब पैनिक बटन केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से हमारी बेटियों के वाहनों में, गाड़ियों में रहेगा, जब भी वो पैनिक बटन को अपनी गाड़ी में दबाएंगी तत्काल 10 से 15 मिनट के अंदर पुलिस सहायता उसको पहुंचेगी, 100 नंबर डायल से उसको 100 नंबर से उसको साथ में अटैच करेंगे। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य सरकार के द्वारा जेलों में आजीवन कारावास सजा में निरुद्ध कैदी 183 बंदियों को गणतंत्र दिवस पर रिहा किया जाएगा। इसे 183 में 177 177 पुरुष और 6 महिला रिहा किए जाने का निर्णय लिया है। ये रिहा किए गए जो भी कैदी हैं 14 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक की सजा भुगत चुके हैं, इन बंदियों की शेष सजा मध्य प्रदेश सरकार माफ कर रही है। आजीवन कारावास से दंडित बंदियों में बलात्कार और पास्को का कोई भी प्रकरण दंडित वाला कैदी नहीं है। उज्जैन बड़नगर हाईवे मार्ग पर गंभीर हादसा हो गया, नदी पर बनी पुलिया पर रेलिंग तोड़कर कार नदी में जा गिरी। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर जाकर गोताखोरों के ने मामले की पुष्टि की। पुलिस प्रशासन द्वारा एनडीआरएफ एवं बचाव दल की सहायता से कार को बाहर निकाला गया।
जबलपुर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के छात्रों में आपस में जमकर लात घूसे चले। विवाद छात्रों की पार्टी के दौरान हुआ। पार्टी में भोजन और डांस भी चल रहा था। डांस के दौरान धक्का लगने पर विवाद गहरा गया। हॉस्टल नंबर 1 व 2 के छात्रों ने देर रात हॉस्टल नंबर 3 में घुसकर तोड़फोड़ कर दी। 4 छात्रों को कैजुअल्टी वार्ड में भर्ती कराना पड़ा। मेडिकल कॉलेज काउंसलर समिति ने अनुशासनहीनता पर 16 छात्रों को निलंबित कर दिया है। जांच के लिए 7 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई है। कल शाम को इन लोगों का एनुअल फंक्शन था, शाम 5 बजे से 10 बजे के बीच में। उस फंक्शन के बाद में हॉस्टल क्रमांक 2 और 3 के छात्रों के बीच में आपसी विवाद रात में करीब 12-1 बजे के बाद हुआ है, जो लगभग मुझे 3 बजे के करीब सूचना मिली थी। तो सब इंस्पेक्टर विनय बुंदेला और स्टाफ मौके पे गए थे, तो वहाँ कोई उस समय शांति थी, लेकिन कैजुअल्टी में अंकित जाट, शुभम डावर, राहुल अहिरवार, मोहित सोनी, ये जो है कैजुअल्टी में जाके। देश भर में मौसम का हाल मिला जुला नजर आ रहा है। कश्मीर, हिमाचल समेत पहाड़ी राज्यों में अभी बर्फबारी और कड़ाके की ठंड जारी है। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे मैदानी राज्यों में ठंड का असर कुछ कम होता दिख रहा है। इसके अलावा पंजाब और दिल्ली जैसे मैदानी राज्य भी हैं जहाँ कड़ाके की ठंड और कोहरा पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश की राजधानी भोपाल में पारा 30 डिग्री के पार पहुंच गया। ये सामान्य से 5 डिग्री ज़्यादा रहा। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश में बेटियों को सशक्त और समर्थ बनाने के लिए पंख अभियान शुरू किया गया है। हरदा जिला इस अभियान में शामिल है। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश भर में शौर्य दल से जुड़ी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करके उनके कार्य की सराहना की। कृषि मंत्री कमल पटेल गृह जिले हरदा से कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने अभियान पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि जब बेटियां सशक्त होंगी तभी राष्ट्र सशक्त बनेगा। कृषि मंत्री कमल पटेल के साथ खेड़ीपुरा हरदा निवासी सलोनी राठौर, मानपुरा हरदा निवासी वर्षा योगी, ग्राम आलमपुर निवासी मना मंडलेकर सहित शौर्य दल से जुड़ी अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहीं। रॉयल क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में आयोजित अंतर्राज्यीय स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब हरदा की टीम ने गुजरात को हराकर अपने नाम किया। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल और स्थानीय विधायक आशीष शर्मा ने विजेता टीम को 51,000 रुपये की नगद राशि से पुरस्कृत किया। खातेगांव में संपन्न हुई क्रिकेट स्पर्धा में प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों से भी क्रिकेट टीमों ने भाग लिया। फाइनल मुकाबला हरदा और गुजरात के बीच हुआ, जिसमें हरदा की टीम ने जीत दर्ज करके ट्रॉफी अपने नाम की। मंत्री कमल पटेल और विधायक आशीष शर्मा ने पुरस्कार वितरण कर सभी प्रतिभागी टीमों को बधाई दी। नरसिंहपुर के गोटेगांव में राष्ट्रीय प्रो कबड्डी लीग के फाइनल में ओएनजीसी दिल्ली की टीम इंडियन एयरलाइंस को हराकर विजेता बनी। विजेता टीम को 3 लाख रुपए का नगद पुरस्कार एवं शील्ड दी गई। फाइनल मैच के दौरान हजारों की संख्या में दर्शकों ने मैच का आनंद लिया। राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, विधायक जालम सिंह पटेल, वरिष्ठ समाज सेवी मुलायम सिंह पटेल ने खिलाड़ियों को पुरस्कार बांटे। कार्यक्रम के दौरान जनपद अध्यक्ष संतोष दुबे, बीजेपी नेता मुकेश पटेल, दिनेश पटेल, युवा नेता मणि नागेंद्र सिंह मोनू पटेल, प्रबल पटेल ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। प्राचीन काल में देखें तो राजा महाराजा के जमाने का खेल भी रहा है। मुझे खुशी है कि आज ऑल इंडिया स्तर के खिलाड़ी गोटेगांव में इकट्ठे हुए हैं, और मैं सोच के आया था शायद विधानसभा स्तरीय जिला स्तरीय गेम होगा, लेकिन जालम सिंह जी ने बताया कि मुझे यहाँ तो पूरे देश से खिलाड़ी आए हैं, तो मेरा भी मन लग गया है। मैं बचपन से ही स्कूल टाइम से खिलाड़ी रहा हूँ कबड्डी का, तो निश्चित रूप से आज कबड्डी जैसे खेल को, क्योंकि आज का जमाना क्रिकेट का है, आज के नौजवान की रुचि क्रिकेट है।
भोपाल से ग्वालियर लौटने के बाद क्षेत्र भ्रमण पर निकले ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने क्षेत्र में कराए जा रहे विकास कार्यों को देखा, साथ ही आमजन से उनकी समस्याएं सुनी। क्षेत्र भ्रमण के दौरान मंत्री तोमर बाल्मीकि समाज की बुजुर्ग महिला के घर पर पहुंचे। मंत्री तोमर ने बुजुर्ग महिला के पैर छूकर खाना मांगकर खाया और सामाजिक सद्भाव की एक अनूठी पहल करके समाज में सामाजिक समरसता का संदेश दिया। नरसिंहपुर के गोटे गांव का ठाकुर निरंजन सिंह कॉलेज उच्च शिक्षा के लिए एक मिसाल बना हुआ है। कॉलेज में कोविड गाइडलाइंस के अनुसार कक्षाएं लगाई जा रही हैं। महाविद्यालय में आर्ट्स और कॉमर्स की शिक्षा दी जाती है। प्राचार्य ए के जैन के द्वारा जवाबदेही संभालने के बाद महाविद्यालय में शिक्षा का स्तर और भी बढ़ गया है। कक्षाओं का ऐसा है कि ये तो शासन के जो आदेश आए हैं वो 10 तारीख से कक्षाएं प्रारंभ करने का है, यूजी थर्ड ईयर, और इसके बाद जो है शेष कक्षाएं जो है वो 20 तारीख से लगाने का प्रस्ताव है। लेकिन शासन ने इसमें कलेक्टर से परमिशन के लिए कहा है कि कलेक्टर महोदय से परमिशन लेकर के ही कक्षाएं प्रारंभ की जाएं। तो आपदा प्रबंधन कमेटी की जो मीटिंग है वो उसमें ये जब डिसाइड हो जाएगा तब विधिवत कक्षाएं प्रारंभ कर दी जाएंगी। अभी बच्चे जो आ रहे हैं उनको इंगेज किया जा रहा है और कक्षाएं लग रही हैं। ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं हमारी। ऑनलाइन कक्षाओं में सभी हमारे जो टीचर्स हैं वो कक्षाएं ले रहे हैं और विद्यार्थी उसका लाभ ले रहे हैं। नरसिंहपुर में पूज्यपाद ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज का 73वां संन्यास दीक्षा दिवस आगामी पौष शुक्ल एकादशी को पूरा होगा। इस उपलक्ष्य में महाराज की तपोस्थली परमहंसी गंगा आश्रम ज्योतिश्वर नरसिंहपुर में 3 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है, जहाँ असम से आए कलाकारों द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया गया। ग्वालियर जिला प्रशासन उपनगर ग्वालियर क्षेत्र में 2 बड़ी कार्रवाई कर 1 जगह से 1 करोड़ रुपए की जमीन मुक्त कराई, वहीं एक अन्य जगह से रिटायर्ड फौजी के घर को दबंग कब्जे से मुक्त कराया। एसडीएम प्रदीप तोमर के नेतृत्व में प्रशासन के अमले ने हजीरा चौराहे के पास स्थित डॉक्टर भगवत सहाय कॉलेज की भूमि पर बनाए गए अवैध गैराज को गिरा दिया। एक अन्य कार्रवाई में ग्राम जगनापुरा में राधा कुंज कॉलोनी में एक रिटायर्ड फौजी के मकान को दबंग के कब्जे से मुक्त कराया। रिटायर्ड फौजी संजय सक्सेना ने कहा कि उनके घर पर महेश भदौरिया ने कब्जा कर लिया था। माधव महाविद्यालय ग्वालियर की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा कोविड-19 टीकाकरण के लिए जागरूकता रैली वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार पांडे राष्ट्रीय सेवा योजना माधव महाविद्यालय ग्वालियर के नेतृत्व में निकाली गई। डॉक्टर पांडे ने बताया कि कोविड-19 टीकाकरण केंद्र पर सामाजिक दूरी बनाए रखने व चिकित्सा में सहयोग के लिए NSS स्वयंसेवक एकजुटता के साथ कार्य कर रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 के टीकाकरण के संबंध में आम जन में काफ़ी भ्रांतियां हैं, जिसको दूर करने के लिए NSS स्वयंसेवक अनेक प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम करते रहेंगे। इस संबंध में सत्य तो यह है कि पूरे मध्य प्रदेश भर में सबसे पहले हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया है, और वो इसलिए है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड के वैक्सीनेशन अभियान में जो दुष्प्रचार लोग कर रहे हैं और जो अफवाहें कर लगातार आती जा रही हैं, तो ज़रूरी है कि उसके लिए जागरूकता का एक कार्यक्रम आयोजित किया जाए। गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, सड़कों पर, कॉलोनियों में इसके प्रति जो भ्रांतियां और भ्रांतियों को दूर करने के लिए। शासकीय स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर बच्चों को शिक्षित ना कर बच्चों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं और सरकार को भी चूना लगा रहे हैं। ये मामला है ग्वालियर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिव मंदिर सत्यनारायण की टेकरी घोसीपुरा का, जहां शासन की गाइडलाइंस के अनुसार कोरोना काल के बाद कक्षा 1 से 8वीं तक ये गाइडलाइंस दी गई थी कि बच्चों को टीचर चौपाल लगाकर घर घर जाकर पढ़ाएंगे, लेकिन विद्यालय के टीचर उनको पढ़ाने ही नहीं जाते हैं। यही नहीं, पढ़ाना तो दूर रहा, स्कूल खुलने का समय प्रातः 10:30 बजे का है, लेकिन स्कूल 12 बजे तक भी नहीं खुल रहे हैं,
जब न्यूज़ ऑब्जर्वर की टीम स्कूल पहुंची तो वहां पर ताला लगा मिला। आपको बता दें कि शिक्षक स्कूल में हाजिरी देने के लिए भी महीने में 30 दिन की बजाय 8 दिन ही आते हैं, लेकिन रजिस्टर में 30 दिन की लगा देते हैं। विद्यालय में टोटल 8 टीचर और 2 बाई हैं। अब देखना ये है कि शिक्षा अधिकारी मामले में क्या कार्रवाई करेंगे। मेरा नाम बिमला है, बिमला गोस्वामी है। गोस्वामी जी, अच्छा ये बताइए आप किस स्कूल में नौकरी करते हैं? मैं सरकारी स्कूल में नौकरी करती हूँ। क्यों, नाम क्या कहेंगे स्कूल का? शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हाँ, शिव मंदिर, शास्त्री उच्चतर माध्यमिक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। किस कार्य करती हो? मैं ना बच्चों को खाना खिलाती हूँ। खाना खिलाती हूँ, हाँ, देख रेख करती हूँ, है ना? हाँ, देख रेख करती हूँ बच्चों की। इसमें कितना स्टाफ है? उसमें है ना 10 जने थे, उसमें से 2 जने है ना दूसरी जगह चले गए अभी, और 9 जने हैं अभी। 9 जने, हाँ। तो ये टीचर्स के 9 जने रोज आते हैं? अभी जी लॉकडाउन की वजह से नहीं आ रहे हैं, लेकिन है ना बीच में सारे आ रहे थे, तो अभी है ना 2-2 जने आ रहे हैं करके। 2-2 जने, हाँ, 2-2 जने आते हैं और चले, हाँ, जाते हैं। और टाइम कितने बजे का स्कूल का? टाइम है ना अभी का है ना, मैं अभी का टाइम, स्कूल का टाइम बताओ। स्कूल का टाइम है ना 8 बजे का, सुबह का 1 बजे तक, 1 बजे तक का। स्कूल के पास ही है सामने, हाँ। अच्छा ये जो स्कूल के रोज खुलता है? खुलता तो रोज है, अब कोई मैम या सर आ गए तो चपरासी आया था वो खोल देते हैं, तो 3-4 बजे तक बैठे। पर लगभग 9 आदमी का स्टाफ है। हाँ, 9 नहीं आ रहा है, नहीं आ रहे, एक दो आते हैं, हाँ, हाँ, चले जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पर, हाँ। आप तो यहाँ सामने देखते रहते हो, आए तो बच्चे भी खेलते हैं और यहाँ पे अभी तक। जबलपुर में पंडित मदन मोहन मालवीय वार्ड ओमती में नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय जनों ने अपना नेत्र का परीक्षण कराया। वहीं पूर्व पार्षद वीरेंद्र सोनकर ने बताया कि जरूरतमंद लोगों को नेत्र शिविर के माध्यम से और डॉक्टरों की सलाह से उनका परीक्षण कराया जाता है और जरूरत पड़ने पर ऑपरेशन भी किए जाते हैं। ये पूर्णतः निःशुल्क होता है, जिसको लेकर बड़ी संख्या में लोग नेत्र शिविर में शामिल होकर अपना नेत्र परीक्षण कराते हैं। आज पंडित मदन मोहन मालवीय वार्ड के अंतर्गत मोतियाबिंद का अभिसन कराया जा रहा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष भाई जीएस ठाकुर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह कार्य को और इस शिविर को और यह मोहल्ला के ही कहते हैं हम लोग इसको, और इसमें जो ज़रूरतमंद लोग आते हैं जिनको दूर पास का और मोतियाबिंद की और काछियाबिंद की परेशानियाँ होती हैं, तो आज हम लोगों ने हमारे नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जीएस ठाकुर के उपलक्ष जन्मदिन के उपलक्ष में यह कार्य को किया जा रहा है। शिवसेना द्वारा जबलपुर के रामपुर स्थित कार्यालय में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय जनों ने शिविर में पहुंचकर अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया। सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे जी के जन्म जयंती के अवसर पर सुभाष चंद्र बोस जी और भैया जी सरकार के जन्म दिवस के अवसर पर आज यहां पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें क्षेत्र के सभी नागरिक इसका लाभ उठा सके, यह हमारा संकल्प चला आ रहा है। यह क्षेत्र जो है निरोगी क्षेत्र हो, सभी रोगों से रोग मुक्त हों लोग, इसका प्रयास समय समय पर किया जा रहा है। देवास जिले के कन्नौद वन परिक्षेत्र खेवनी अभयारण्य के स्टाफ ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में रात्रि गश्ती के दौरान अभयारण्य की वन सीमा से लगे आष्टा वन परिक्षेत्र के भवरा चैनपुरा मार्ग से मैजिक वाहन को मध्य रात्रि में 37 नग सागौन सिल्लियों के साथ पकड़ लिया। आरोपी रात का लाभ उठाते हुए वाहन छोड़कर भाग निकला। आरोपी की तलाश जारी है। रेंज ऑफिसर अमीचंद आस्के ने जानकारी देते हुए बताया कि वनों की सुरक्षा को देखते हुए विभाग की रात्रिकालीन गश्त सतत जारी है। जैसे कि हमारे वरिष्ठ के निर्देश अनुसार कल रात्रि को ही हम लोगों को ऐसी भनक लगी थी कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो उस चक्कर में हम लोग भवरा से चैनपुर वाला जो मार्ग है उस पर 2 टीम बना के अलग अलग जगहों पर रात्रि गश्ती पे हम लोग गए थे, और वहाँ से सुबह के लगभग 3:30 बजे एक
आगे मोटरसाइकिल आ रही थी और उसके पीछे एक वाहन आ रहा था, टाटा मैजिक छोटा वाला। तो कुछ संदिग्ध ऐसा हालत में हम लोग को लगा तो उसको रोका हमने। और खरगोन जिले में कसरावत के ग्राम दोगावा के पास पुलिया के पार के लिए भरने जा रही आयसर गाड़ी, जिसमें गाड़ी के ऊपर मजदूर बैठे हुए थे, टर्न लेते समय अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में जिसमें 7 मजदूर घायल हुए हैं और 1 मजदूर की मौत भी हो गई है। सभी मजदूर बालसमुद के हैं। घायलों को डायल 100 की मदद से कसरावत शासकीय अस्पताल लाया गया, जिनका प्राथमिक उपचार करके खरगोन रेफर किया गया। मृतक का पीएम करवाकर उसके शव को परिवार के सुपुर्द किया गया। खरगोन जिले के कसरावत में मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की महिलाओं का हल्दी कुमकुम कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र समर्पण निधि का भी आवाहन किया गया। श्रीनगर स्थित गायत्री मंदिर में 100 से अधिक दुर्गा वाहिनी की मातृशक्ति बहनें एकत्रित हुईं। सुहागनों द्वारा हल्दी कुमकुम कार्यक्रम करने के साथ ही मंदिर निर्माण की समर्पण निधि, प्रभात फेरी और नगर में कलश यात्रा निकालने पर एक महत्वपूर्ण चर्चा हुई। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में खुजने नगर के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी रहे गोपाल यादव के नेतृत्व में कांग्रेस नेता किसानों के समर्थन में भोपाल पहुंचे। इस मौके पर खुजनेर में मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस नेता गोपाल यादव ने प्रदेश की भाजपा सरकार और सीएम शिवराज पर जमकर निशाना साधा। जिला के समस्त कांग्रेस तथा किसान भाई हमारे साथ मौजूद रहे, जी के नेतृत्व में राज्य भवन जा रहे थे, लेकिन प्रदेश के मुखिया शिवराज चौहान हमारे साथ लाठियां बरसाई, पानी की बौछार करवाई, आंसू गैस के गोले फेंकवाए, जिसमें से कांग्रेसी नेता महिला घायल हुए। राजगढ़ के खुजनेर नगर में खाटू श्याम मंदिर पर भजन संध्या का आयोजन रखा गया, जिसमें पचोर, ब्यावरा तथा आसपास के भक्तगण पैदल चलकर पहुंचे। आयोजन स्थल पर भक्तों के लिए 11 के अवसर पर प्रसादी का वितरण किया गया। एकादशी का पर्व है और महिला जो उपवास करती है भगवान के खाटू श्याम के दर्शन के लिए आती है। दिन भर वो भजन संध्या में ऐसे ही समारोह में भाग लेती रहती है और ये पर्व का समय और उपवास का समय रहता है, तो इस हिसाब से धार्मिक स्थलों में दर्शन करती है। आज पूरे देश के अंदर ये प्रोग्राम है कि सिर्फ खुजनेर शहर के अंदर ही? अरे सभी जगह होता है, पूरे विश्व के अंदर और पूरे देश के अंदर, देश और विश्व के अंदर चलता है। तो भगवान के दर्शन करना, भगवान के पवित्र नामों का गुणानुवाद करना और दर्शन करना, यही होता है आज। राजगढ़ के ब्यावरा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम तरेना में क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन हुआ, जिसमें आसपास के लगभग 50 टीमों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर फाइनल में बैरसिया ने तरेना को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। विजेता टीम को ग्राम पंचायत सरपंच घीसालाल मीणा की ओर से 21,000 रुपये और उपविजेता को 11,000 रुपये का नगद पुरस्कार एवं शील्ड दी गई। नागदा के एक गांव से एक 6 साल की बच्ची को उसके दुष्कर्मी जीजा के शातिर पंजों से छुड़ाकर रतलाम लाई। रतलाम की 2 जांबाज महिलाओं को भोपाल के मिंटो हॉल में सुपर हीरो के सम्मान से नवाजा गया। महिला सम्मान को लेकर चल रहे अभियान और बालिका दिवस पर भोपाल में आयोजित समारोह में महिला एवं बाल विकास विभाग परियोजना क्रमांक 2 के वरिष्ठ पर्यवेक्षक एहतशाम अंसारी व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बरखा को मुख्यमंत्री की मौजूदगी में सम्मानित किया गया। इन महिलाओं ने बच्ची को सुरक्षित लाने के साथ ही इसका और इसकी अन्य बहनों का जीवन संवारने में भी अहम भूमिका निभाई है। मतलब परिकल्पना से परे है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अपनी लाइफ में मुझे ये पुरस्कार मिलेगा, और मैंने जो काम किया है
ये सोचकर किया भी नहीं था, सिर्फ़ एक इंसानियत के नाते किया था। जो जिस पोस्ट पे मैं हूँ महिला बाल विकास में, और हम लोगों का वर्क जो ICDS का रहता है उसके साथ साथ समाज सेवा का भी रहता है, और महिलाओं के लिए चूँकि ये विभाग अगर महिलाओं की स्थिति को बेहतर कर सके ये सबसे बड़ी गौरव की बात है। और DPO मैम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इस चीज़ को आगे तक पहुँचाया। रतलाम में स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के तहत शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की मुहिम के चलते नगर निगम द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में शहर के कोने कोने से साइकिल लेकर बच्चों और बुजुर्गों ने शामिल होकर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का आह्वान किया। साइकिल यात्रा 2 बत्ती से शुरू होकर छत्री पुल, नगर निगम तिराहा, कॉलेज रोड, नाहरपुरा, डोलू मोदी बाजार, गणेश देवरी, बजाज खाना, तोपखाना, नीम चौक, लोहार रोड, आबकारी चौराहा, शहीद चौक, लोकेंद्र टॉकीज, न्यू रोड से होते हुए पुनः 2 बत्ती पहुंची, जहां पर बच्चों को प्रशस्ति पत्र भी दिए गए। विदिशा में लीगल राइट्स काउंसिल द्वारा मकर संक्रांति, पोंगल पर्व, गणतंत्र दिवस के अवसर पर रंगोली प्रतियोगिता, पारंपरिक वेशभूषा व थाली सजावट आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। लीगल राइट्स काउंसिल द्वारा प्रतियोगिताओं को आयोजित करने का उद्देश्य महिलाओं को अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर देना था, जिससे वे अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए अपने अधिकारों से परिचित व जागरूक होकर स्वयं को और भी ज़्यादा सबल बना सकें। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कमलेश कुमार, सुमन शांडिल्य, मंजरी जैन एवं नगर की वरिष्ठ समाजसेवी महिलाएँ शामिल हुईं। प्रतियोगिता में विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किए गए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर के साथ। नमस्कार।